कर्नाटक बुलडोजर्स पिछले दो सीजन से चैंपियन रहे हैं और हारा ही नहीं बिल्कुल भी, और आज पर उनके लिए मुझे लगता है कि अच्छा वेकअप कॉल था, क्योंकि अभी काफ़ी क्रिकेट बची है, सेमीफाइनल में वो पहुंच चुके हैं, तो आज का मैच हारना इतना उनके लिए बड़ा धक्का नहीं था। अगर नॉकआउट रहता सेमीफाइनल तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत रहती, पर अभी भी हॉट फेवरेट्स हैं इस साल के लिए भी। अच्छी क्वालिटी के खिलाड़ी हैं उनकी टीम में, बल्लेबाज गेंदबाज कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं सुदीप, और वैसा ही कुछ रितेश देशमुख करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए। पहले मुंबई हीरोज़ की टीम से खेलते थे पहले दो सीज़न, उसके बाद वीर मराठीज़ की जब से टीम बनी है तब अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, शरद केलकर भी मुंबई हीरोज़ की टीम में थे, और बड़े ही कर्मठ इंसान है रितेश, मेहनत करते हैं, बढ़िया कोशिश मेहनत देखिए। जिस हिसाब से पहला मैच था, आई मीन काफी रोमांचक मैच रहा, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था रियली तेलुगु वॉरियर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स के बीच में, डाउन द विकेट और ये बोल्ड, सीधी सी बॉल अक्रॉस खेलने की कोशिश, और आसिफ अली स्ट्राइक्स इन हिज वेरी फर्स्ट ओवर। श्रृंगारपुरे जो हैं डाउन द विकेट आके खेलने की कोशिश, शायद जरूरत नहीं थी ऐसा शॉट खेलने के लिए। ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी डाउन द विकेट, नेवर नियर द पिच ऑफ द बॉल, और आउट होकर वापस पवेलियन। खूबसूरत साइट है, मिडल ऑफ मिडल स्टंप को लग के जब कार्ट व्हील करती हुई निकलती है बहुत ही बढ़िया लगता है। खैर मैं गेंदबाज हूँ तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही। श्रृंगारपुरे सिर्फ 6 रन बना के वापस जाते हुए 33-2 वीर मराठीज। वेलकम बैक, सिद्धार्थ जाधव जो नए खिलाड़ी हैं वीर मराठी की तरफ से, 33 रन दो विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर के बाद। इज रीजन टू स्माइल फॉर केरला स्ट्राइकर्स आसिफ अली, अपने पिछले गेंद में एक विकेट चटकाए, और ये शायद बैट, और इसी वजह से एम्पायर डिडंट एंटरटेन दैट अपील। अरे देखिए जिस हिसाब से आउट हुए, सीधी सी गेंद डाउन द विकेट आकर के अक्रॉस खेलने की कोशिश, और आसिफ अली इंपॉर्टेंट विकेट चटकाए। कमेंट्री बॉक्स में चेंज, दबाए इनसेन अलोंग साइड देवांगा। शुक्रिया आरके। यहां पे दो गेंदे बची अभी भी पांचवे ओवर में, वाइड का इशारा किया जाएगा। 34 पे पहुंच चुकी है वीर मराठी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वीर मराठी ने जो इस ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज का पहला मैच खेला था ब्रबॉन स्टेडियम में, मुंबई हीरोज के खिलाफ 230 बनाए थे, तो उसके बाद से उन्होंने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। हर पारी में आके सोचते हैं कि बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। पिछले सप्तांत जब खेले थे बैंगलोर में कर्नाटका बुलडोजर्स के होम मैदान पे, उनके सामने थे चेन्नई राइनोज, तब भी ऐसा लगा था कि बहुत जल्दी बहुत विकेट्स गिरे थे, और आज भी देवांग ऐसा ही कुछ हो रहा है, बहुत जल्दी विकेट्स गिर रहे हैं।
बिल्कुल, और खासकर खेल के इस प्रारूप में अच्छी शुरुआत बहुत ही आवश्यक, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह बैकफुट में धकेल दिया है वीर मराठी को। पांच ओवर के बाद 34-2। पांच ओवर के बाद 34-2 वीर मराठी। टॉस जीत के सबसे पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला किया था। कप्तान रितेश देशमुख अभी भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी एक बहुत खुशखबरी होगी टीम के लिए, क्योंकि ये अच्छे बल्लेबाज हैं और उनमें एक क्षमता है कि अगर पूरे 20 ओवर खेले तो अच्छे खासे स्कोर तक जरूर लेके जा सकते हैं अपनी टीम को। बिल्कुल, कप्तान है अपनी टीम के और आगे से नेतृत्व करना होगा, पूरा दारोमदार अभी उनके कंधों पर। और अगर एक सम्मानजनक स्कोर बनाना है तो जैसा आपने कहा 20 ओवर तक खेलना होगा, टिके रहना होगा विकेट पर। गेंदबाजी में बदलाव, उन्नी मुकुंदन आए हैं। वीर मराठी तो जरूर थोड़े से नाखुश होंगे ही कि जिस तरीके से पहले दो मैचेस में उन्होंने, खासकर पहला मैच बिल्कुल आखिरी गेंद पर एक छक्का कंसीड करके हारे थे, लेकिन जिस तरीके से केरला स्ट्राइकर्स ने यहाँ पे शुरुआत की है वो बहुत निराशाजनक उनके लिए रहेगी कि सेमीफाइनल्स की रेस से इतनी जल्दी बाहर हो चुके हैं, क्योंकि गेंदबाजों में ऐसी लग रही है कि काफ़ी काबिलियत है, अच्छे एक्शंस वाले गेंदबाज हैं, खासकर उनके मीडियम पेसर्स ऐसा लग रहा है कि अपने कद का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। उन्हीं में से एक मुकुंदन पाप लेके आखिरी ओवर, लेकिन शुरुआत दिशाहीन गेंद के साथ। ये इस टूर्नामेंट की परंपरा सी रही है, काफी वाइड्स देखने को मिले हैं और आपको याद दिला दे कि बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेट्स 1000 रुपीज फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज, यानी अब तक 35,000 रुपए जुड़ चुके हैं। 1,000 और